नवरात्र के दूसरे दिन यानी आज 18 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी भक्तों को कुंडलिनी जागृत करने में मदद करती है। उनके आशीर्वाद से ही कुंडली को जगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं मां दुर्गा जी के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भविष्य पुराण माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इनके दाहिने हाथ में जपकी की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाने के लिए साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधना भी करते हैं, ताकि उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सके। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से ही उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत रंग बेहद प्रिय है। माता की पूजा के दौरान सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ को सफेद वस्तुएं जैसे शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद पाने के लिए दुर्गा तपशती का पाठ करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि द्वितीय तिथि 17 अक्टूबर रात 9:08 से प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर शाम 5:27 तक रहेगी। सर्वसाधारण के लिए आराधना योग ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इसका जाप करना चाहिए। ये रहा श्लोक। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो धूप और आरती को देखता है वो अपनी कई पीढ़ियों का उद्धार करता है। आरती को आरात्रिक अथवा निराजन के नाम से भी पुकारा गया है। आराध्य के पूजन में जो कुछ भी त्रुटि या कमी रह जाती है उसकी पूर्ति आरती करने से हो जाती है। साधारण रूप से 5 बत्तियों वाले दीप से आरती की जाती है जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। इसके अलावा 1 से 7 अथवा विषम संख्या के अधिक दीप जलाकर भी आरती करने का विधान है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।